बंगाल के डायमंड हार्बर के पास बुलबुल तूफान टकराया है, तो तेज हवा के साथ ही बारिश ने लोगों की मुश्किलों को बढ़ा दिया है। बुलबुल से मुकाबले के लिए अब प्रशासन भी मुस्तैद हो गया है। सीएम ममता बनर्जी ने कंट्रोल रूम पहुंचकर हालातों का जायजा लिया है। 1.58 लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। वहीं आपातकालीन स्थिति से निपटने की तैयारी भी की जा रही है। इसके साथ ही पीएम मोदी ने हर संभव मदद देने का भरोसा दिलाया है। तो पीएम मोदी ने भी यहां पर ममता बनर्जी से बात की है, जैसा कि जानकारी मिल रही है, और हर संभव मदद देने का भरोसा यहां पर दिलवाया गया है। तो बंगाल की खाड़ी से उठा चक्रवात बुलबुल ओडिशा से अब पश्चिम बंगाल की ओर रुक कर रहा है, और इसी के बाद हालात किस तरह के वहां पर बने हुए हैं ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि तेज हवाएं चल रही हैं, बारिश हो रही है, और इन्हीं दोनों के चलते लोगों की मुश्किलों को बढ़ा दिया है। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां पर कई पेड़ उखड़े हुए हैं, कई पोल उखड़े हुए हैं, तो ऐसे में जानमाल का नुकसान यहां पर हो सकता है। एहतियात बरते जा रहे हैं, प्रशासन भी मुस्तैद है, लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की कवायद भी यहां पर शुरू कर दी गई है। साथ ही पीएम मोदी ने खुद भरोसा दिलाया है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से बातचीत करके कि जो भी मदद होगी वो यहां पर की जाएगी।